हाय हाय जॉसम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सारे, आई होप बढ़िया होगे। तो गाइस आज का वीडियो हम लेकर आए कुछ इस टाइप का मूडी ग्रीन इफेक्ट फोटो एडिटिंग। देख सकते हो दोस्तों, साइड से कितना मस्त सनलाइट आ रहा है फोटो में, बट रियल में ऐसा फोटो नहीं था दोस्तों। रियल में कैसा फोटो था, रियल में कुछ इस टाइप का फोटो था दोस्तों। तो कुछ इस टाइप का फोटो को कुछ इस टाइप का एडिट आप कुछ ही सेकंड में कैसे एडिट कर सकते हो, तो मेरा वीडियो को देखते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो फॉर एडिटिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है लाइटरूम ऐप में। हाँ दोस्तों, मैं आज लाइटरूम ऐप से सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का मूडी ग्रीन फोटो एडिटिंग कुछ स्टेप में, एकदम सिंपल स्टेप है दोस्तों। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ से ऑल फोटो पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना, आपको अपना फोटो ऐड कर लेना, अपना मॉडल का फोटो ऐड कर लेना। मैं ये मॉडल का फोटो उठाया हूँ अभी जस्ट नाउ, और ये मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना, अगर आप भी इस टाइप का फोटो एडिट करते हो तो मुझे टैग करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले मैं एडजस्ट वाले टूल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सनलाइट वाले पे आऊँगा, और यहाँ से हाइलाइट्स कुछ कम कर दूंगा, शेडो को इंक्रीज कर लूँगा, फिर यहाँ से टेम्परेचर वाले पे आ जाऊँगा, और यहाँ से मिक्स वाले पे आऊँगा, यहाँ से जादू दिखाऊँगा आपको एकदम मस्त मस्त। सो सबसे पहले आ जाते हैं ऑरेंज वाले टूल पे, और यहाँ से सेचुरेशन को डाउन कर लेते हैं। सेचुरेशन को कुछ इतना डाउन कर लूँगा, -30, और ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लूँगा +15, और यहाँ से येल्लो वाले टूल पे आऊँगा, और यहाँ से इसका डाउन कर लूँगा कुछ, -5 रख लूँगा, इसका सिचुएशन इंक्रीज कर लूँगा। तो देखो कितना रिलास्टिक हो रहा। ग्रीन वाले पे आते के साथ जादू दिखेगा आपको दोस्तों। इसको ह्यू को फुल इंक्रीज कर लो, देखो कितना ग्रीन हो गया जस्ट नाउ, और यहाँ से सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेना। तो बिफोर आफ्टर देख सकते हो दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर कितना रिलास्टिक फोटो एडिट हो चुका है अभी कुछ स्टेप में। और ये दोनों को इंक्रीज कर लेना, और यहाँ से ब्लू वाले पे आना है, इसे डाउन कर लेना है हल्का, इससे जीन्स का कलर चेंज होता है दोस्तों। और इसको -8 रख लेना सिचुएशन को, और इसको इंक्रीज करना, शर्ट का कलर चेंज होता है, इससे देख सकते हो। अब ये सब को मैं नहीं कुछ करूँगा ज़्यादा, यहाँ से डन कर देता हूँ। बस वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लूँगा, फोटो में क्लियरिटी आती है दोस्तों। उसके बाद इस पर आऊँगा मैं इफेक्ट वाले टूल पर, और टेक्स्चर को इंक्रीज कर लूँगा, टेक्स्चर को +12, क्लियरिटी को +14 रख लूँगा, इसे भी इंक्रीज कर लूँगा मैं दोस्तों। विग्नेट को डाउन कर लूँगा -22, मिड पॉइंट इंक्रीज, ये सब को इंक्रीज कर देना आप, देखते रहना ऐसे ऐसे। तो फोटो में जो रियलिस्टिक एडिटिंग होती है ना दोस्तों, इसी से आती है। शार्पनिंग इंक्रीज, रेडियस, डिटेल्स, मास्किंग, नॉइज, ये सब इंक्रीज, देख लो सेटिंग, बाद में मत बोलना, ये सब इंक्रीज कर लेना एकदम ओसम लगेगा। मैं तो ये आँख बंद करके इंक्रीज कर लेता हूँ, इससे फोटो बहुत रिलास्टिक। ये दोनों को फुल जरूर रखना, कुछ करो मत करो, ये दोनों को फुल रखना। देख सकते हो बिफोर आफ्टर फोटो को, बिफोर आफ्टर। अभी तो लाइट ऐड करनी है, फोटो को फेस वाइट करनी है। अब यहाँ से आते हैं मॉडर्न वाले टूल पे। मॉडर्न सबसे पहले देखो कहाँ से आते हैं, ये प्रोफाइल वाले टूल आप लोग जानते हो कि मैं हर फोटो में यूज करता हूँ। तो ये प्रोफाइल वाले पे आना है, मॉडर्न फोर यहाँ से यूज कर लेनी है आपको। मॉडर्न फोर कितना ओसम लग रहा है दोस्तों, देख सकते हो। यहाँ से डन कर देते हैं T9 पे रख कर। ओह क्या हुआ था, बिफोर आफ्टर देख सकते हो एकदम ओसम। यहाँ से सेव वाले टूल पे आते हैं, और यहाँ से सेव कर लेता हूँ बस लाइटरूम में इतना ही। अब चलते हैं इसे पिक्सार्ट में ऐड करते हैं सेव होने के बाद। तो ये कुछ टाइम लेती है सेव होने में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। ये फोटो सेव हो चुका है दोस्तों, अब चलते हैं पिक्सार्ट ऐप में, और यहाँ से पिक्सार्ट ऐप ओपन कर लेते हैं दोस्तों। पिक्सार्ट ऐप ओपन हो रहा है, इसमें आपको जो फोटो लाइटरूम में सेव किए उसे ऐड कर लेना। अगर आपको फेस स्मूथ करना नहीं आता है किसी पिक का, या फेस वाइट करने नहीं आता, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाकर देख लेना कैसे करते हैं। आपको प्लस वाले पॉइंट पर क्लिक करना है, जो फोटो अभी मैं सेव किया हूँ उसे ऐड कर लेता हूँ। तो ये फोटो मैं अभी सेव किया था, इसे ऐड कर ले रहा हूँ। अब आपको आना है यहाँ से ऐड वाले फोटो, ऐड फोटो पे आना है, और लाइट इफेक्ट वाले PNG में ऐड कर लेता हूँ। ये PNG, इसका लिंक मैं बैकग्राउंड का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो यूज किया हूँ ये PNG। आपको इससे ब्लेंड वाले टूल पे आना है इधर, और यहाँ से स्क्रीन कर लेना। अब इसको देखो ऐसे ऐड करना,
कितना ऑसम लगेगा, देखो फेस पे आ रहा कितना ऑसम लग रहा है, ऐसे करके डन कर लेना। बिफोर आफ्टर देख सकते हो कितना ऑसम इफेक्ट आ गया दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ से टूल्स पे आना है, एडजस्ट वाले पे आना है आपको, और यहाँ से सेचुरेशन ब्राइटनेस को हल्का इंक्रीज कर लेना, हल्का इतना मत कर लेना, जितना आपको अच्छा लगे उतना रखना, मैं +16 रखूँगा। उसके बाद कंट्रास्ट पे आना है, कंट्रास्ट को भी हल्का इंक्रीज कर लेना +8, जितना आपको अच्छा लगे। क्लैरिटी में आना है, इसे बढ़ा कर देखना, ज़्यादा अच्छा लगे तो ज़्यादा रखना, मैं तो कुछ इतना ही रखता हूँ, +4 रखता हूँ। सेचुरेशन में आ जाना, सेचुरेशन को मैं +8 रखूँगा। ह्यू में आते हैं, ये देखो इससे कैसा इफेक्ट आ रहा, तो मैं ज़्यादा इसको कुछ नहीं करूँगा, मैं इसे 2 पर रख, इसको 2-4 इतना ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना, या जो कलर आपको बेस्ट लगे, इसमें तो येल्लो ही ठीक लग रहा है मेरे को। उसके बाद हाइलाइट्स पे आते हैं, इससे कम ज़्यादा कर देख लेना, तो ये +6 में ही अच्छा लग रहा है। शैडो पे आना है, बिफोर आफ्टर देख लो शैडो, तो शैडो कुछ ज़्यादा रखूँगा मैं, इससे फेस वाइट होता है दोस्तों, देख सकते हो बिफोर आफ्टर। टेम्परेचर तो इसमें येल्लो टोन डालने पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों, तो मैं +6 रखूँगा और एक कर देता हूँ डन। तो बिफोर आफ्टर देख सकते हो दोस्तों, लाइटरूम के बाद एक पिक्सार्ट में कितना गजब हो चुका है बिफोर आफ्टर इफेक्ट, कितना ओसम एडिटिंग लगा एकदम रियल टाइप का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इतना ही, ड्राफ्ट टूल पे आते हैं और इसे 3 डॉट पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं, इससे आपका फोटो का क्वालिटी बिल्कुल लूज नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।